मंडला के मोतीनाला रेंज में फिर हाथियों के दल ने फसल और मकान को नुकसान पहुंचाया है। अब आलम यह है कि जंगली हाथियों के आतंक से किसान दहशत में जीने को मजबूर हैं। दरअसल बीती रात ग्राम सूरजपुरा और मेड़ा में ग्रामीण अपने अपने घरों में सो रहे थे, तभी हाथियों के दल ने मकानों पर हमला बोल दिया और मकानों को तोड़ना शुरू किया, तो ग्रामीणों ने अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। सूचना के बाद रेंजर सुरेश कुमार भलावी दल के साथ मौके पर पहुंचे और हाथियों को भगाने का प्रयास किया। विधानसभा प्रभारी वीरेंद्र फौजदार ने ग्रामीणों के टूटे घरों को और बर्बाद हुए फसलों का निरीक्षण कर उच्च अधिकारियों को भोपाल स्तर तक जानकारी पहुंचाने की बात कही है। जैसा कि अभी हमारे यहाँ जो हाथी का जो मूवमेंट है, बार बार फेन सेंचुरी से लेके मोतीनाला रेंज और मवी रेंज से लगी हुई बीटों पे बार बार इन लोगों का आना जाना लग रहा है, और संभवतः अभी फसल जो आई हुई है धान की, इस वजह से ये अपना मूवमेंट नहीं बनाए हुए हैं, आगे जगह बढ़ नहीं रहे हैं, और कुछ जगह इन लोगों ने फसल की नुकसानी के साथ साथ अपने के खेतों के नुकसानी किए हैं और मकानों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है, जिसका मुआवजा के लिए हमने राजस्व को सूचित कर दिया गया है। कुछ लोगों को मुआवजा मिल भी गया है और मकान क्षतिग्रस्त की जानकारी वरिष्ठ को पहुंचा दी गई है, जिसको उसको भी बहुत जल्दी इनको भरपाई कर दी जाएगी, एवं ग्रामीण और वन समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक करके एक टीम बना के सभी लोगों को सूचित किया गया है कि ज़्यादा हाथी के परेशान ना करें एवं ज़्यादा विचरण ना करें, घूमें ना, और इनके भगाने के लिए अभी समुचित व्यवस्था की जा रही है। जानकारी मिली सेवा भैया के माध्यम से, तो मैं इनके साथ आया, जानकारी मिली कि 6 हाथी हैं, जैसे नुकसान भी हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, घर भी तोड़ रहे हैं, वहाँ से उनका अनाज भी खा रहे हैं, तो निश्चित इसके माध्यम बात हम प्रदेश स्तर पर उठाएंगे बात को और जल्दी जल्दी इसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। जिनका जो नुकसान हो रहा है वो उसकी भरपाई राज्य सरकार माननीय शिवराज जी पूरी करवाएंगे उनसे, और हम चाहते हैं कि वास्तव में किसी गरीब का नुकसान न हो। 4 महीने मेहनत करता बेचारा गरीब आदमी और उसका नुकसान हो जाता है, तो निश्चित उसकी भरपाई होना चाहिए, उसकी पूर्ति होना चाहिए, इसलिए हम सरकार से बात करेंगे। ऊपर भोपाल जाके मैं बात करूंगा और इसका निराकरण करने का प्रयास। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।